अच्छा है बाप, मेरी सहेली अब आपकी भी सहेली बन गई। वो मेरी सहेली थोड़ी है, वो तो वो है। अच्छा तो मेरी बातें हो रही है। देखा, बीन बजाई नहीं और नागिन आ गई। हो गया टेस्ट? हो गया। क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, खबर पक्की है ना? बाहर रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, टेस्ट रेडी होते बोलो ईमेल कर देंगे। ठाकुर जी करे तो खुशखबरी होगी, मेरा मन तो वनराज को कहने के लिए इतना उतावला हो रहा है ना। ए मारी ब्यूटीफुल, तू जरा भी परेशान मत हो, हम सब है ना तेरे साथ, सब ठीक होगा। इनफैक्ट जो भी होगा बेस्ट होगा। हाँ। इस विवाह में बहुत विघ्न है। पंडित जी ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ये तो सिर्फ प्रश्न कुंडली है ना पंडित जी, अगर ये सेम प्रश्न मैं आपसे कल पूछूंगी तो कुंडली बदल जाएगी क्या? पंडित जी प्लीज प्लीज, वी और मैं, आई एम सॉरी, वनराज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पंडित जी, और हम शादी करना चाहते हैं, प्लीज कोई अच्छा मुहूर्त देकर बता दीजिए ना प्लीज। बेटा मैं चेहरा देखकर मन पढ़ लेता हूँ, और इसका चेहरा देखकर साफ प्रतीत होता है कि इसका मन बहुत विचलित है, विवाह को लेकर बहुत असमंजस में है, समय के साथ साथ ये और विपरीत होता जाएगा, हो सकता है कि इसके मन से शादी का ख्याल ही हट जाए, और आप शादी की तारीख निकाल भी लेंगी तो भी शादी में बहुत विघ्न है बेटा। तो पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए मैं क्या करूँ, अब कोई पूजा कोई हवन कुछ भी जिससे ये शादी जल्द से जल्द हो जाए बस। इसमें समय जाएगा बेटा, और तुम दोनों के पास समय है नहीं, कोशिश करो कि ये विवाह जल्द से जल्द हो जाए, वरना विलंब इस विवाह को हमेशा हमेशा के लिए टाल सकता है। नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी मम्मी, आई नो कि आप अपसेट होंगी कि मैंने बिना फाइट किए हार मान ली, पर मुझसे नहीं होगा। समर, तुम्हारे लिए फोन है। मम्मी, इट्स ओके बेटा, तुम बात नहीं करना चाहते, आई अंडरस्टैंड। समर प्लीज, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम फोन मत काटना प्लीज। तुम्हारी मम्मी यहाँ ठीक है? नंदिनी बता रही थी कि तुम हमारे डिवोर्स को लेकर बहुत परेशान हो। समर, आई नो कि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है, पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी माँ को जितनी अच्छी तरह तुम जानते हो उतनी अच्छी तरह मैं भी नहीं जानता, और तुम्हें ये जानना चाहिए कि वो कितनी मैच्योर और स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अकेली नहीं है, तुम उसके साथ हो। बिल्कुल बात नहीं करोगे, इतना बुरा हूं मैं, बुरा ही सही पर बाप हूं यार। इसलिए तो आपसे नाराज हूं मिस्टर शाह, कोई और मेरी मम्मी को दर्द देता तो शायद मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन आप, अरे उनकी खुशी उनकी स्माइल उनकी सारी जिंदगी सब आपकी जिम्मेदारी थी मिस्टर शाह, और आपने निकल जाओ मेरे घर से। याद है अनुपमा, तुम्हें कैसे पैनिक अटैक्स आते थे, कैसे तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। आपने जो मेरी मम्मी के साथ किया है ना, उसके लिए जो नफरत है वो बहुत कम है मिस्टर शाह, आपने कितने आसानी से कह दिया ना, वो स्ट्रांग है, वो मैच्योर है, शी विल बी फाइन। क्यों? क्यों स्ट्रांग और मैच्योर लोगों को दर्द नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती, जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी समझदार है वो सब कुछ चुपचाप सहती जाए। आपके लिए ये डिवोर्स सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है मिस्टर शाह, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, ना नाम ना पता, आप जहां रहते डिवोर्स के बाद भी वहीं रहेंगे, आप आज मिस्टर वनराज शाह, डिवोर्स के बाद भी मिस्टर वनराज शाह ही रहेंगे, पर मेरी मम्मी की जिंदगी में तो सब कुछ बदल जाएगा, उनके जिंदगी से सब कुछ छिन जाएगा, वो सारी चीजें जो आज उनकी है डिवोर्स के बाद, वो सारी चीजें पराई हो जाएगी, और ये सब किसके वजह से? आपके वजह से मिस्टर वनराज शाह,
आप जो कह रहे हैं ना, ये गलती है, ये गलती नहीं थी, ये धोखा था मिस्टर शाह। और दुनिया की कोई भी औरत धोखा डिजर्व नहीं करती, और मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं। Why did you cheat on her? Why? आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए मिस्टर शाह, सबसे बड़ी सजा। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है समर। एक बाप के लिए इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि उसकी अपनी औलाद उसे बाप कहने से मना कर दे। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि आज 1 बजे तुम्हारा कॉम्पिटिशन है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। इरादा बदल दिया? आपको क्या मतलब? मुझे नहीं, पर तुम्हारी माँ को जरूर है। तुम मुझसे नफरत करते हो फाइन, पर तुम अपनी माँ को किस बात की सजा दे रहे हो? वो दिन रात तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना कर रही है। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा, जिसे वो हीरो समझती है, लूजर निकला? मैं तुम्हें लूजर समझता था समर, पर आज ऐसी हरकत करके तुम मुझे सही और अपनी माँ को गलत साबित कर रहे हो। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को लेट डाउन किया, पर अब तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ तुम्हारी माँ जो कभी हार नहीं मानती, और दूसरी तरफ तुम उसका बेटा जिसने फौरन गिव अप कर दिया। अगर मैं अच्छा पति नहीं बन पाया तो तुम भी अच्छे बेटे नहीं हो समर, और अगर हो तो साबित करो, अपने बाप को गलत प्रूफ करो। मेक योर मॉम प्राउड, कम ऑन। आई नो यू कैन डू इट समर, क्योंकि तुम अपनी माँ के बेटे हो, राइट? ऑल द बेस्ट बेटा, मेक अस ऑल प्राउड। I knew it, भी अपना माइंड बदल रहा है, इसीलिए वो डिवोर्स को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। और ऊपर से डिवोर्स से पहले वो अनुपमा और पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इस वक्त वी और अनुपमा अकेले रिसॉर्ट में। नो, कहीं भी सच में अपना माइंड तो नहीं बदल रहा है? और कितना टॉर्चर करेंगे आप मुझे? मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, शादीशुदा होकर एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया मैंने, मगर भगवान, प्यार करना इतना बड़ा पाप है क्या? अपने बारे में सोचना, अपनी खुशियां ढूंढना, क्या ये इतनी बड़ी गलती है? सब लोग मुझे गलत समझ रहे, सब लोग मुझे कोस रहे, मुझे जज कर रहे, मगर आप तो भगवान है ना, आप क्यों मुझे जज कर रहे हैं? क्यों मुझे सजा दे रहे हैं? और कब तक? बस अब बस, प्लीज प्लीज मेरे वी को मुझे दे दीजिए। मैंने वी के लिए बहुत इंतजार किया है भगवान, बहुत। अब मेरे अंदर और ताकत नहीं है, और पेशेंस भी नहीं है अब मुझ में। तू टेंशन मत ले, टेंशन बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और तू आराम कर, लेट जा, इसे अंगूर खिला, और आज से तेरा पपाया खाना बंद। क्यों? क्योंकि पपाया प्रेगनेंसी में नहीं खाते। हाँ। तूने फिर से फोन उठाया? जॉब देखो तो फोन। बा, मैं रिपोर्ट चेक कर रही हूँ कि मेल आया है कि नहीं। ओहो, वो लोग मेल करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा ना बेटा। मॉम, प्लीज कॉल देम एंड आस्क ना, मैं आई कांट वेट। अरे करती हूँ। भगवान करे कि खुश खबर हो। अगर खुश खबर होगी तो मैं मंदिर में जाके देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। मैं भी आऊंगी आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुझे लेकर जाऊंगी तो भगवान कहेंगे ये किसको लेकर आई। ओहो बा, चल अच्छा, तेरी ना नजर उतारती हूँ, ऐसे वक्त में नजर बहुत जल्दी से लगती है। आजा, जो सिखाती हुए नजर कैसे जलाते। You rest, I'm coming, okay? I was just about to call you. पर किया तो नहीं ना? अरे बेबी, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग जस्ट अभी खत्म हुई है। एनीवे, हाउ आर यू? मैं ठीक नहीं हूँ तोशो। क्यों? क्या हुआ? तुम पास नहीं हो ना? Oh, really? You miss me so much? I miss you too, baby. अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। What a coincidence! मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। You remember हमारा एक फ्रेंड है स्वप्निल, जिसकी हमसे 1 महीने पहले शादी हुई थी? हाँ। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है।
Can you imagine? I mean, दोनों के अभी तक ढंग से जॉब पे नहीं लगी और दोनों ने बेबी प्लान कर लिया. Isn't that ridiculous? And I hate such people. जो लोग अपना फैमिली अपना बिजनेस ढंग से प्लान नहीं करते हैं. Anyway, मैं आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ. I can't wait to see you. Okay, bye, baby. Bye. Thanks to Mrs. Dave जो वहाँ पर फोन अरेंज करवा दिया. अच्छा सुन, तू कैसा है? और कॉम्पिटिशन को लेकर सारी तैयारियां हो गई? घबराहट तो नहीं हो रही ना? क्यों होगी? आपका बेटा हूँ मैं, किसी से नहीं डरता. बस बीच में इरादा बदल गया था, फिर मिस्टर शाह ने लेक्चर दिया और मुझे मोटिवेट किया. इन्होंने तुझसे बात की? हाँ, कुछ वक्त लिए भूल गया था कि बेटे के सिर्फ हक नहीं होते, फर्ज भी होते हैं. फिर मिस्टर शाह ने याद दिला दिया. मम्मी, आई प्रॉमिस मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा. मैं आपका अच्छा वाला बेटा बनूंगा, वो बेटा जिसे देखकर आप प्राउड फील करो. तू तो मेरा सबसे अच्छा बेटा. मेरे जन्म के सारे अच्छे कर्मों का फल तू ही हो. अच्छा मम्मी, कंपटीशन शुरू होने वाला है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए. आई बैडली नीड इट. मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, हमेशा हमेशा हर पल तेरे साथ है. जा, वो तो क्या कहता है, स्टेज पे आग लगा दे, आग. All the best, ना बेटा, all the best. Thank you, mommy. Thank you, तुझे भी बेटा. तू मेरे साथ है ना, तो मैं हर लड़ाई लड़ भी सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ. बस तू मेरे साथ है. हम जीतेंगे मम्मी, हम लाइफ की हर लड़ाई जीतेंगे. तुम दोनों का विवाह का कोई योग नहीं बनता. इसका मन बहुत विचलित है, विवाह को लेकर बहुत असमंजस में है. हो सकता है कि इसके मन से शादी का ख्याल ही हट जाए. दूसरी औरत हूं मगर गलत नहीं हूं. मैंने वी से प्यार किया, सच्चा प्यार, और मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगी. भले और कुछ ना सही, मैंने अनुपमा से इतना तो सीखा है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. आई वॉन्ट गिव अप. फीलिंग बेटर? थैंक्स नंदू. आई डोंट वॉन्ट टू अग्री, बट मिस्टर शाह से बात करने के बाद मुझे सच में बेटर फील हो रहा है. थैंक यू. आई गेस आई रियली नीडेड दैट. यू आर वेलकम. नाउ नो मोर इमोशनल टॉक्स, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस. कब जीत के आना है ना? और वैसे भी आज शाम को हमें घर वापस जाना है. घर पर सब तुम्हारा और ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं. डोंट वरी, डिनर हम घर पर ही करेंगे. ऑल द बेस्ट समू, लॉल, लॉट्स ऑफ लक. थैंक्स नंदू. हे नंदू, मम्मी कहा करती थी मेरे लिए जो भी लड़की बनी है ना वो करोड़ों में एक होगी. She was right. मम्मी ने भगवान से मेरे लिए खुशियां मांगी और भगवान ने तुम्हें मेरी लाइफ में भेज दिया. I'm sure मेरी मॉम ने भी मेरे लिए खुशियां ही मांगी होगी. भगवान जी प्लीज, ये विन समर के लिए नहीं, अनु आंटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज 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 ये ट्रॉफी समर को ही दिलाना, ताकि अनु आंटी को खुश होने की कोई तो वजह मिल जाए. ओह नो, तोशु की फ्लाइट डिले हो गई. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं. जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं तोशु को बता भी नहीं सकती. और अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हुई तो मैं बताऊंगी कैसे? I have no idea कि वो कैसे रिएक्ट करेगा. उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है. ये वक्त है काम पे कॉन्सेंट्रेट करने का, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाने का. और I have no idea how to deal with this pressure. एक तरफ तोशो की खुशी और दूसरी तरफ मॉम बाप मम्मी. ओह गॉड. लेकिन जब रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर भी एक लाइफ है, तो मेरा सारा डर ना खुशी में बदल गया बेटा. एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है.
अभी आपके बारे में नहीं पता, पर जब वो आएंगे हम तब बताएंगे। हेलो आंटी। हेलो आंटी, अभी मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा, मेरे बारे में सोच रही थी तो फोन क्यों नहीं किया? बस करने वाली थी जैसे समर की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती। अच्छा सुन, थैंक यू। किस लिए? तूने जो पिता और बेटे के बीच की दूरियां कम करने की कोशिश की ना, उसके लिए, और तू समर के लिए इतनी दूर तक गई उसके लिए भी। मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि समर वहां इतनी दूर अकेला है, कैसे सब करेगा, पर अब चिंता नहीं है, तू है ना उसके पास। नंदिनी, थैंक यू बेटा, तूने हमेशा मेरे और मेरे परिवार का साथ दिया है। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आंटी कि आपके फैमिली ने मुझे हमेशा अपने फैमिली का हिस्सा समझा, इतना प्यार, इतना अपनापन दिया कि आप सबके होते हुए कभी मैंने अपने फैमिली को मिस नहीं किया, कभी लोनली फील नहीं किया। इनफैक्ट अपने फैमिली को या अपने पेरेंट्स को कभी मिस ही नहीं किया। थैंक यू सो मच आंटी। एक बात कहूं, तू मेरे समर के लिए भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। वादा कर नंदिनी, तू हमेशा मेरे समर के साथ रहेगी, हमेशा हमेशा उसका साथ देगी। आई प्रॉमिस, वादा। और मैं भी वादा करती हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते को सबका आशीर्वाद दिलवाऊंगी। अच्छा सुनने, समर का डांस कितनी देर में शुरू हो रहा है? बस शुरू ही होने वाला है आंटी। मेरा एक काम करेगी, मुझे उसके डांस का वीडियो बना के भेजने। मैं तो उसके पापा को भी दिखाऊंगी, उन्हें भी तो पता चले कि उनका समर कितना लायक है। श्योर आंटी। मैं रखती हूँ, अब समर पे ध्यान रख जाओ। बाय। वो मिस्टर शाह से कोर्ट लेटर मिसप्लेस हो गया है, आप मुझे उस लेटर की कॉपी भेज सकते हैं प्लीज? सॉरी मैम, वो लेटर हम सिर्फ क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, उसकी कॉपी नहीं रखते। तो क्या आप मुझे वो डिवोर्स डेट बता सकते हैं जो उस लेटर पर मेंशन है? I'm sure वकील साहब अपने रिकॉर्ड के लिए इतना तो लिख के ही रखते होंगे। हाँ, उनको बिल्कुल पता होगा, लेकिन सॉरी मैडम, वो मैं आपको नहीं बता सकता। प्लीज प्लीज, इट्स रियली अर्जेंट, आई नीड टू नो। आई नो मैं आपका काम बढ़ा रही हूँ, लेकिन आई कैन पे फॉर योर हार्ड वर्क। मेरे ख्याल से सुनील सर बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। सुनिए, वेट, हेलो हेलो, गॉड डैम इट, मेरा ये प्लान भी फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगी? आप कुछ नहीं कर सकती। सिवाय कोशिश करने के, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप कितनी भी कोशिश कर लो पर कोई फायदा नहीं होने वाला है बेस्टी। तो आप अपना टाइम और एनर्जी कहीं और क्यों नहीं लगाती? जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर लाइफ कोच सेशन ज्वाइन कर सकती हैं ऑन हाउ टू मूव ऑन। स्टेशनरी लेने जा रही थी, आपको देखा तो रुक गई, एंड गॉट टू नो कि आप पापा की डिवोर्स डेट जानने के लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। फेस्टी, अगर पापा डिवोर्स डेट नहीं बता रहे हैं तो आप समझ जाओ ना कि उनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है। इनफ पाखी, डोंट टॉक नाउ। कम ऑन फेस्टी, आप थोड़ी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अप? गिव अप? नो वेज। आई एम श्योर कि अगर वी ने मुझे डिवोर्स डेट नहीं बताई है तो तुम लोगों को भी नहीं बताई होगी। एंड डोंट फॉरगेट, अगर तुम वी की बेटी हो तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। पर ब्रेकअप तो गर्लफ्रेंड के साथ होता है ना, बेटी के साथ नहीं, ये मत भूलना। जस्ट इमेजिन, मैं पापा को बताऊंगी कि लॉयर अंकल के प्यून से कैसे आप उन्हें ब्राइब देके उनकी डिवोर्स डेट पता करने की कोशिश कर रही थी, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। Best of luck, bestie. God, ये पाखी की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? बताती है तो बता दी, I don't care. प्यून ने कहा था कि उसने डिवोर्स का लेटर वी को दिया है। I'm sure वी वो लेटर लेकर पिकनिक पर तो नहीं गया होगा, तो वो लेटर वी के रूम में ही होगा। स्टार्ट
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।